अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मानो इमरान व्लॉग्स। अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे गांव में एक चोरी नहीं बल्कि दो चोरियां हो चुकी हैं। एक इस भाई की दुकान के अंदर चोर घुस गए थे, दुकान के अंदर काफ़ी सारा सामान था। इससे पूछते हैं, कुछ पैसे वगैरह भी थे चोरों ने चुरा लिया है। और उसके साथ एक और घर है हमारे साथ ही है वो घर, उस घर के अंदर बाइक थी यानी मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल को भी चुरा लिया चोरों ने। एक ही रात के अंदर दो दो चोरियाँ हो चुकी हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। और ये मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि ये मेरा कज़न भी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा प्यारे भाई, तुसा सको जोल के दिखाओ सही के कितना कितना चोरी थी और क्या क्या चीज़ा चोरों ने चाहते, और सको जहीं भी दिखाओ जितना कहीं चोर खड़े रह गए। ठीक है, आओ चल दें पहले सको जहीं दिखाओ इधे पहले इतना कहीं पेरा है। अच्छा तो को कोई थोड़ा बहुत खड़का और कोई चीज़ महसूस कह नहीं थी? मैं रात को 11 बजे तकरीबन बत्ती थे, 3 मिनट में जा गया, मैं गया बाहर अंदर गया, दुकान पेटा ठीक ठाक, मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बुखार है थोड़ा, माए वाला आके सब। अच्छा फालदा मैं जले सवेरे उठ तना मैं घर लेना उठा ए चार बार ए हाला के ऊं चोंडे खड़ा है। अच्छा मैं कोला पता है ऊं चोंडे खड़ा है। अच्छा बहुत तक खड़ाई वाल ए ऊं चोंडे खड़ाई थी ऊं चोंडे थी माए जले सवेरे चार बजे था ऊं मेरे को बुखार है, मेरे को तबीयत खराब है, माए थे सोता है। अच्छा तू सही था सोते पे आवे माए थे सोता है एदा सवेर जिदा पेरे वाला के इदो इदो दुआरा के हेक बंदा मेरे कोल खड़ा रहे ए सारे चोरे लगे तन को उठन दीवार टबर ए पे लेद पे ए सारे पेरे ए सारे पेरे उठा उठते चढ़ रहे थे ये सारे पेरे लगे बन पेरे ए ए लेद पे ए आलू तो कल पैप चढ़न पैप बाग तो अच्छा या नाजरीन, ये यहाँ पे ये पैंप जो पड़ा है ना, ये पैंप इधर लगा हुआ था, ये बिल्कुल सही सलामत था। इस पैंप के ऊपर उन्होंने पाँव रखा होगा अपना, पाँव रखा है तो ये पैंप भी टूट गया है। और ये थाल रखा हुआ है, इसके नीचे उनका पेरा लगा हुआ है। चीज लाइन ए निकल गया, ये ताला खोल गया, ये टूट गया है, खोल के देख ले गए चार दुकान या मसुता मेरे को नहीं पिया है चार गया। उन्होंने ऐसी कोई चीज लाना है गुल्ला ने दबे ना गुल्ला यानी कि ही ताले दे बीच उन्होंने कोई चीज मारी रखी है, ताले को खोल गए खोल छोड़े ने। मजीद अब दुकान के अंदर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ चुराया था। आर्मी डॉग सेंटर में कॉल कर दी है, उनकी टीम आने वाली है, तकरीबन पक्की पुल उनकी टीम आ चुकी है। इतना मोटर लगी भैया यहाँ से मोटर को भी चुरा लिया है। और ये चावलों का आटा है, ये चावलों का आटा और ये गंदम कट्टू खाली कितने कट्टू खाली करके थे जरा सामान होना चावना उसी गट्टू दे सामान पा गया उसने घी भी घी की घी को भी चुरा लिया है। इनकी पेटियां भी खाली पड़ी हैं। 34,000 रुपए लगा रकम पड़ी थी कितनी 34,000 मर गए वो कल बकरियां बेच के ना मंडी 34,000 वो आई तकरीबन 5-6,000 की सेल थी 5-6,000 की सेल हुई थी दुकान की और 34,000 वो भी इसी दुकान के अंदर पड़ा था। कल बुध थी और ये भी और इसका अबू भी कल मुल्तान बाजार गए थे जानवरों के बाज़ार में बकरियां बेचने के लिए, और 34,000 रुपये जो इनके पास थे वो किसी को देने थे, जिससे बकरियां ख़रीदी थी उन्हीं को पैसे देने थे ना। बस अल्लाह खैर करे। और ये इन्होंने खाली की तेने बोतलें भी पड़ी थी यानी कि तकरीबन 1.5 लाख की चोरी हुई हो गई है दुकान की। नाजरीन ये मेरी बस्ती की चोरी नहीं हुई बल्कि ये मेरी अपनी ही चोरी हुई है, तो इस वक्त मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ हूं और मैं आवाज़ उठाऊंगा इंशाल्लाह, इनकी चोरी वापस दिलवा के ही मैं खामोश बैठूंगा। तो बस डॉग वाले आने वाले होंगे, फिर देखते हैं कि डॉग किसके घर में जाता है। एक इधर चोरी हुई है और दूसरी चोरी इधर साथ एक घर है, उस घर के अंदर मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल को भी चोरों ने चुरा लिया है। तो आइए उनसे मिलते हैं, इस घर से मोटरसाइकिल चुराई है और इजाज़ भाई को बुलाया है, वो आ रहा है, उससे पूछते हैं।
इजाज़ भाई क्या हाल है तुम्हारा? तबीयत से ठीक है? अच्छा इजाज़ भाई तुम्हारे घर दी जी मोटरसाइकिल जाती है ने? रात जाती है ने? अच्छा तो को पता नहीं लग गया कोई खबर या कोई दरवाजा शरवाजा आखिर खड़किया हो सी? अच्छा नवी मोटरसाइकिल है पुरानी है मोटरसाइकिल? मकसद दरमियानी है। दरमियानी है मोटरसाइकिल। अच्छा बस अल्लाह खैर करे। बस आर्मी डॉग सेंटर से कॉल कर दी है से उन्होंने टीम आँदी पई है, जिमें टीम आँदी पई है तो वाल असा कोई पेरा वगैरह दे दें। ठीक है आर्मी डॉग की टीम आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कैसी है तबीयत सेहत? बस दादा अब आ रहे हैं, उधर चल रहे हैं, गाड़ी गाड़ी उधर ले चले। मोहल्ले वाली मस्जिद के अंदर ऐलान भी करवा दिया था और सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं ताकि जो भी चोर हो वो वाजे सामने आ जाए और उसकी इतनी बेइज्जती हो फिर कभी चोरी करने का नाम ना ले। जी 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 सर, इस पब की मिट्टी उठा ली है, ये जो आधा पांव लगा हुआ है ये देखिए ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ही चलेंगे। अब देखते हैं कि किसका पांव है और किसके घर के अंदर डॉग जाते हैं। करो सारे भाई जरा मेरे हल तवज्जो करो, तुहानू जिस तरीके नाल असीं चोर तक पहुंच सकने आ तुहानू ओ मैं सारियां गल्लां दस देना, हर गल समझा देना, जिस गल दी समझ ना आवे दोबारा पूछ लेनी है, मैं जवाबदार होवांगा, मैं जवाब दसा तुहाडे हर सवाल दा पहले निशानदेही तों पहले। जदों असीं कुत्ता छड्ड देना गल्लां तय हो जाणियां ने किसी जगह दे निशानदेही हो जाणी है, उस तों बाद ना तू कोई तुहाडा सवाल होणा ना मैं तुहानू कोई जवाब देना, मेरा काम खत्म, पैसे मेरे ते मैं चलिया जाणा। गल सुन लो तरीके नाल समझ लो, जिहड़ा सानू सैंपल दिता चाचू तुसा बकौल तुहाडे ओह चोर दा ठीक है, उस ते तुसी सारे भाई मुतफिक हो, पब वाला पेरा चाया सी मुतफिक हो जी, पेरा ठीक है तसल्ली है, ये सारे भाइयों तो पूछ लो भी पेरा सी ओ पब वाला चलांदे पिया, किसी भाई नु कोई इतराज़ तो नहीं? कोई मसला आवे तो जाट वाले पे तू इतराज़ करो, पब लगा है पब वाले पेरे दी ना जंदी असी ओ मट्टी अपने कोल इमरान भाई महफूज कर ली। जी जी बिल्कुल, असी ओ जानवर नु सुंगा के मौके वारदात तू अपने जानवर नु आजाद कर देना, ओदी रस्सी कट देनी ओपन लीड कर देना। सही, चोर दे दो रस्ते होंदे ने जी, एक रस्ता होंदा जिथों वारदात का इरादा लैके आंदा कि मैं जाके वारदात करनी है ठीक है, दूसरा रस्ता होंदा है दूसरी जगह होंदी है जिथे वारदात तो बाद जाके पहला स्टे करदा घंटे तो दो घंटे का, आम बंदे दे पिछू कुत्ता नहीं बैंदा ठीक है, ना लवे मेरे को पिछे तो नहीं आ रहा मेनू को फाड़ ना लवे मैं बदनाम ना हो जा ठीक है, जो वो परेशान होंदा है ओदा एक ब्लड होर होंदा है कैफियत होर होंदी है उस ते स्मेल ते कुत्ता जाके ओदी निशानदेही करदा है, कुत्ता साडा जो जाके किसी जगह दी निशानदेही कर देवेगा किसी घर बह जाएगा, ओदी वजह यह है कि उत्थे बंदे ने घंटे तो दो घंटा स्टे किया, उस जिथे बंदा दो घंटे वारदात तो बाद जाके स्टे कर लेंदा ना उन्हूं पता चल जांदा मैं वारदात च कामयाब हो गया, मैनू किसी देखिया नहीं, कोई मेरे पिछू भजया नहीं, कोई मेरे पिछू आया नहीं, जितना उस रिलैक्स हो जाना अपनी वारदात कंप्लीट हो जाना उनका मिशन, उस टाइम स्मैल उनकी खत्म हो जानी है, कुत्ते साढ़े उत्ते पॉइंट करके दे छड़ना, काम साढ़ा भी उत्ते खत्म हो जाना ठीक है। ਬੰਦੇ ਪਾਪ
ਬਸ ਹਟ ਜੋ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ ਪਾਪਾ ਵਾਲਾ ਚਾਇਆ ਨਾ ਪਾਪਾ ਬੜਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਜੋ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹਟ ਵਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਰ ਫਿਰਾਂਡੋ ਜਿੱਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ आटा भाई हाँ हेलो अपने तरीके यार पीछे हो जाओ भाई अगर ये जाना चाहे तो रस्ता दसो एक मिनट बाकी सारे पीछे आ जाओ दो तीन बंदे थले ना ले जाओ चार बंदे सर जाओ मैं नाल चोर सा कोई मसला होटल परेशान बस बस ज्यादा पब लगने में दो बंदे त्रै बंदे कुत्ते भी लेट गए मेरे को लगते नाल हो मेरा भरा नाल हो गंदी जगह यार छुड़ा छड़ा गंदी जगह अगू बच्चे सारे बंदे बजे सारे इसी घर के अंदर से बाइक चुराइए अगर वही पांव होगा वही पैर होगा तो ये अंदर जाएगा शाबाश शाबाश नाल होगा पीछे रहो बंदे यार सारे पीछे बंदे को थोड़ा जा पीछे 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 थोड़े ना पीछे हट आवे ना पीछे से बात पीछे हट हो जा मियां पीछे आ ला 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 करो को आ दे तीन चार बंदे आ के देखो सारे पीछे ठहर जा ना पीछे रहो ना खड़े तो की आखी है यार पीछे रास्ता खाली कर सोटी मिंद कंट्रोल कर ला यार तू थोड़ी देर गल कर जाल बन जाओ चार बंदे इकबाल साहब चार बंदे पीछे रहो यार पीछे रहो
ओए यार पीछे आ जा भाई, क्यों पीछे जा रहे हो? हाँ इधर से ही मोटरसाइकिल उठाया है। हाँ इतना ही मोटरसाइकिल उठाई थी। हकल मार रहा, डांट रहे उन्हें, छोड़ जगह, ठीक है ना, समझ रहे हो ना गल? बिल्लू छोड़ जगह, आगे चलो, छोड़ जगह बिल्लू, पीछे हो जाओ जी, पीछे छोड़ जगह कह रहे हैं, अगे निकल जावे, चलो मतलब बहुत जल्द जाना कह रहे हैं, अगे आगे चलो, छोड़ जगह, बाहर निकलो, बाहर दफाओ, चल एक इस राउंड इतना नुकसान तो ही कर रहे नहीं जी, नहीं नुकसान इतना कोई नहीं, नुकसान नाल लग करती है ना मोटरसाइकिल। बिल्लू बिल्लू छोड़ जगह, बाहर निकलो, छोड़ जगह, बाहर निकलो, अगवार जाओ, बाहर दफाओ, शाबाश बिल्लू, चाचा थल्ले बैठ, इकबाल भाई थल्ले बैठ, वे कुत्ता बैठा खड़ा है, वीडियो बनाओ भाई, तस्वीर बना लो, वीडियो बन रही है, आगे चलो, छोड़ो बाहर निकलो, आगे चलो, आगे ढूंढो, रस्सी पाल है, बिल्कुल मैं तेरे नाल हां ना, अमर साहब आओ ना, आमिर साहब इमरान साहब मैं घर तक गए लेकिन फिर के निकला उदू तो चोरी हुई थी। तेरा काम है खिलना जिडेवाल फिर के आए ना उड़ान में आउट पिछा मोटरसाइकिल। हां भाई केना है हक नवा दा घर है जी। हां आओ भाई उठे मैदान है चायो कितना अंदर है चोर चोर कितना साडे में जड़ गए। हां आओ जी मैं गल एक करनी है, एक गल मेनू कर लेना तो फिर बाद चोर साहब इना दा काम उठे चाचा आ गए ए बुजुर्ग नु सद्दी लेओ जिडे अंदर ना पेटा मेरा कोई नहीं ए बुजुर्ग जेदा घर है बाकी सारे पीछे रुके रहो यार रुके रहो भाई इकबाल किथे है ओ बंदा किथे जिंदे बेटे दा घर जिंदे घर कुत्ता ए चाचा आ गए चाचा ने कुत्ता दो मैं लेके जाओ किथे खड़ा नहीं था ये पता नहीं किधर लेके जाओ मलिक साहब को भी एक साथ ओ हां दे बिन मेरे खाली पीछे है ओए ना चले गए ना चलो जी ठीक है चले गए चाचू जी एक मिनट आ गया होना क्या नाम है अपना चाचू जी हक निवास हक निवास साहब मेरे नाल तुम्हारी पहली मुलाकात हुई मेनू किदा इस इलाके पहले डिठा है मैं नहीं आया मेरे को तेरे घर का कहना ही पता चाचे और चोरी थी है पेरा इन्ना चवाया अंदरू जरा पब लगा खड़ा बंदा पूरा पेर नहीं देंदा पाया उस पेरे ते असा कुत्ता छोड़े चलता आया मोटरसाइकिल जेरे घरों चोरी होया उदू फिर के तेरे घर आके बांधा पे कमरे दे विच खट दे थले बैठ गया सारे बंदे वेखे कोई बंदा आके जे असी खड़े हो पकड़े पे खड़ा रहे पहले मंजी चार बई को घसीटदा रहे छिड़दा रहे वल बैठे बह गए चोर साहब को दिखा के असी कुत्ता पकड़ लिया ठीक है भाई बिल्कुल साडे कुत्ते दे मुताबिक चाचू हक निवास तेरे तेरा घर तेरी जा चोर है उनकी वजह क्या है उतू बंदा या उठ के आया वारदात वास्ते या वारदात तो बाद जाके उत्थे पहला स्टे करदा पे बांधा पे तेरा पोत्र खुद है उनका मसात है मेहमान है मेजबान है कोई भी है जवाबदार तुसा हूं इन्हें को चोरी डेमनी है तुसा डेमनी है चोर डेमना तुसा डेमना है तुसा मेरे को अगर चैलेंज कर दो मेरे कुत्ते को गलत करो अपना कुत्ता सड़वाओ इतू छोड़ो थोड़ी जात ना बंजे थोड़ी फीस 5000 हुई मैं भरे सर इन्हें वापस करके सारी पंचायत तू मदद कर सा ठीक है अगर थोड़ा कुत्ता सड़े आया भी बई जे बारी थोड़े घर चला पैंता है मैं जाना तो मुदई जाना मैं इन्होंने को फीस गिन गिन सा बाकी थोड़ा फिर भी पंचायती अपना काम है
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਫੀਸ ਭਰੀ ਇਹ ਭਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਣੀ ਜੇ ਤੇ ਆਓ ਹਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੋਏ ਬਣਵਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ जी सर रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं रिपोर्ट बना दें आ रहे हैं आप उनको कहो 2560 रुपए लेके आओ 2560 रुपए गेन के आओ रिपोर्ट बनवा गिनो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ 2000 ਕੋ ਅੱਛਾ ਸਰ ਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਚੋਰ ਜੋ ਮਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਡੋਗ ਉਸਕੇ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੋਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਬਨਵਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਬ ਆਪ ਲੇਂਗੇ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਔਰ ਆਪਕਾ 90 ਦਿਨ ਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਤਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਹਮਾਰੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾੜੀ ਕਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 4000 ਰੁਪਏ काट कर बकाया आपको फीस वापस कर दूंगा 3 महीने तक मैं आपका पाबंद हूँ ठीक है आपका और मेरा एग्रीमेंट है इसका ये आपको फायदा होगा अच्छा इस रिपोर्ट को हम लेके थाने में भी जा सकते हैं बिल्कुल आपके पास ये प्रूफ है मेरी बात सुनो मुल्तान डाक सेंटर देख रहे हो ना मैंने लिखा है मुल्तान डाक सेंटर आपके पास ये प्रूफ है कि हमने ये टीम मंगवाई है मुल्तान से और इसके कुत्ते ने इधर निशान दिखी है उसका बंदे उस बंदे का नाम बल्दियत इधर लिखा जाए जिसके घर में गया अच्छा वो कहे कि मैंने मेरे घर वालों ने या मेरे लड़कों ने चोरी नहीं की तो उसके उसको मैंने चैलेंज किया है ना वो अपने डॉग बुलवाए अपने आप को क्लियर करें ठीक है यानी कि अगर हम ये रिपोर्ट लेके थाने में जाएं तो उसके खिलाफ पर्चा भी हो बिल्कुल इंशाल्लाह क्यों नहीं हो ठीक है सर ये आपके पास प्रूफ है सबूत हाँ बिल्कुल ठीक है सर ठीक है बहुत शुक्रिया ये नंबर ये उसका नाम ठीक है सर ठीक है सर ठीक है बहुत शुक्रिया ओके जी अल्लाह हाफिज़ अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम ये चाचा हक नवाज़ झंगड़ा जिसके घर के अंदर कुत्ता जाके बैठ गया था और ये इसका बेटा मोहम्मद इमरान झंगड़ा ਤਾਂ ਵੜ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤ ਬਰਖਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਨੱਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਖੜ ਦੇ ਲੈਸਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਸਣ ਨੂੰ ਖੜ ਦੇ ਕਰਾਂ ਬਡੇਰਾ ਬੰਦ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਲੈਸਣ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗਾਲ ਹੈ ਪੁੰਨੇ ਦੀ ਨਾ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਪੁੰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਕਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਕਰੋ चोरी ਨਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਲੇ ਖਾਟੀ ਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ ਗੁੱਤ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਚਾ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋ ਭੁਲੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਹੂੰ ਇਹ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਗੱਲ ਹੋਂ ਕਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਆਪ ਆ ਜਵਾਬ ਘਰ ਵੇਲਾ
ਯਾ ਰੋਟੀ ਹੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾ ਜੀ मुराद ने कुत्ते जो बैठे रात चार्जर मंगे दरवाजे तलो ही नहीं टपा के और ये इसका छोटा भाई मोहम्मद इकराम ड्यूटी सबूत है मैं ना कहीं को चट्टी मरे ना जेरी मेरी मड्डी में गो मिली वे पंप खुलिया पे नकदी पैसे मेरे रात मुल्तान मंडी को हलक चाह क्या था मेरे पैसे ना मैं को चट्टी मरन या चोर दो या मंडी दो असा ना कावे दे ना पीछे मंडी पहले तोरे खोले पे आर्मी डॉग की टीम का कहना यह है कि हमने जिस निशान के ऊपर अपने कुत्ते को छोड़ा है, कुत्ता जिसके घर के अंदर जाके बैठा है, अगर वही लोग अपना कुत्ता मंगवाएं और उसी निशान के ऊपर कुत्ते को छोड़ें, अगर कुत्ता उसी घर के अंदर ना जाके बैठे तो हम अपनी फ़ीस भी नहीं लेंगे, उन्होंने जो कुत्ता मंगवाया है उस कुत्ते की फ़ीस भी हम अदा करेंगे। जिसके घर के अंदर कुत्ता जाके बैठा है, अब उनका कहना ये है कि ना हम चोर हैं, ना ही हमारा ये काम है चोरी करने वाला, हम अपनी सफाई पेश करते हैं कि हमने कोई चोरी वोरी नहीं की। तो
अब उन्हें एक दिन की मोहलत दी गई है, वो कल तक बता देंगे, आपस में मशवरा करेंगे, बाप से भाई से मशवरा करके फिर वो बताएंगे कि उन्होंने चोरी की है या नहीं की। अगर वो कहेंगे कि हमने नहीं चोरी की तो जिनकी चोरी हुई है फिर वो शायद हो सकता है कि वो पुलिस को भी फ़ोन करें और पुलिस को भी बुलवाएं और उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज भी करवाएं। अल्लाह बेहतर ही जानता है कि असल चोर कौन है। कोई अच्छी बात हुई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।